चुनाव के दंगल में आरोपों प्रत्यारोपों का एक आलाप अपने चरम पर पहुंच गया है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जुबानी बाड़ों के जरिए मुद्दों को धार दी जा रही है। बीजेपी लोकसभा में हार का बदला लेने के लिए चुनावी मैदान में है और सभी सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी अभ्युदय रणनीति बना रही है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपने फॉर्मूले के साथ जीत के लिए दम भर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। मझवा वो सीट जहां आजादी के बाद 1952 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। उस समय मझवा विधानसभा सीट अस्तित्व में आ गई थी, लेकिन कछवा मझवा क्षेत्र नगर विधानसभा सीट का हिस्सा था। साल 1969 का ये सीट रिजर्व थी और यहां से अनुसूचित जाति का प्रत्याशी चुनकर विधायक बनते थे। विधानसभा के चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो यहां के 8 बार कांग्रेस प्रत्याशी को विजय मिली है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल और बीजेपी को एक एक बार, बीएसपी को 4 बार यहां सफलता मिली। यहां से सपा का कभी खाता नहीं खुला है। साल 1974 में जब सामान्य सीट हुई तो पहली बार यहां से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में रुद्र प्रसाद चुनावी मैदान में वो उतरे। जनता ने उन्हें विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा। ये विधानसभा सीट साल 1989 तक प्रदेश के वीवीआईपी विधानसभाओं में शुमार थी। जब यहां से विधायक बनने के बाद नेता मंत्री हुआ करते थे। मंत्रियों में पंडित लोकपति त्रिपाठी, रुद्र प्रसाद, भागवत पाल की गणना दिग्गजों में होती थी। साल 1993 के बाद मझवा से मंत्री का ताज छिन गया। उसके बाद 3 विधायक चुने गए, किसी को मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिला। तो मझवा से जीत के लिए सियासी दल तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता इस वक्त सभी को सुन रही है और किसे जनादेश देती है ये तो भविष्य के गर्व में है। मझवा के सियासी समीकरण को डिकोड करने के लिए इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। क्या है मझवा की जनता के मन में और किन मुद्दों पर जनता मतदान करेगी, ये जानने के लिए संवाददाता आकाश दुबे ने चुनावी चौपाल लगाई। लोगों की राय क्या रही, देखिए। मैं इसमें मझवा विधानसभा के क्षेत्र में खड़ा हूँ। आपको बता दें कि मझवा विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है और उसकी तारीख भी डिक्लेयर हो गई है। आगामी 13 नवंबर को जो वोट पड़ेगा, आज सूचना जारी हो चुकी है। मझवा विधानसभा जो है 1960 में ये जो है अस्तित्व में आया था और उसके बाद से जो है यहाँ पे चुनाव हो रहा है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो यहाँ से डॉक्टर विनोद बिंद जो है विधायक थे, जो भदोही से बाद में पिछले लोकसभा चुनाव में जो है सांसद चुन लिए गए, तो सीट रिक्त हो गई है। अब जनता जो है यहाँ की किन मुद्दों की बात हो रही है जनता के बीच में, क्योंकि चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसे में जनता क्या सोचती है, हम लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले हम ये फुल्की वाले हैं, ये फुल्की लगाते हैं, हम इनसे पूछेंगे क्या इनके बारे में जानकारी। आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, इस विधानसभा से आप नहीं आते हैं। आपके दुकान पे बहुत से लोग खड़े हैं, एक हमारे भाई साहब पीछे हैं, क्या नाम है आपका? संजीत यादव। संजीत, ये जो विधानसभा होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है क्या मुद्दे हैं? बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। सामने रोड देख लीजिए, सड़क तो ऐसा है, सामने रोड देख लीजिए, रोड दीजिए, वोट दीजिए, रोड देंगे तो वोट देंगे। आपको ये जो रोड है वो बना नहीं है? सामने देखिए, सामने लगाइए, देखिए सामने, यहाँ से चले जाइए, इमरती चौराहे से चले जाइए, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। क्या विधायक जी ने अपने पिछले 2 सालों में कोई कार्य नहीं किया? 2 साल नहीं, आप 10 साल से देखिए ना, रोड देख लीजिए आप। सड़क पे धान लगा देंगे सर तो धान हो जाएगा, धान हो जाएगा। आप क्या नाम है आपका? राहुल कुमार सर। राहुल जी, ये क्या मुद्दे, क्या लगता है, सड़क की बात आप कर रहे हैं? सड़क पे सर, ये रमई पट्टी से लेके कनौरा घाट तक ऐसा सड़क है सर ना, कि अगर इस पे धान लगा दिया जाएगा तो रोड पे धान हो जाएगा सर। इतना अच्छा सड़क है हमारे इस इलाके का। सड़क से आप लोग दुखी हैं, और क्या समस्याएं आपको यहाँ पे? बिजली पर बहुत है, बिजली तो ठीक ठाक है सर, पानी भी ठीक ठाक है, बस यही रोड भर गड़बड़ है सर, रोड की बहुत समस्याएं हैं सर। जबकि ये रोड 24 घंटा चालू रहता है सर, तब पर भी ये हाल है, 10 किलोमीटर भी चलना इस पे नामुमकिन समझ में आता है इस रोड पे। कब बना था ये रोड?
ये रोड सर बना था 2009 में, उसके बाद से नहीं बना। उसके बाद से नहीं बना सर, केशव प्रसाद मौर्य जी का हमारे इंटर कॉलेज में आगमन हुआ था, तो यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो थोड़ा बहुत अपना गिट्टी सिट्टी डाल के फिर रिपेयर सिपेयर कर दिए हैं, फिर दो दिन बाद फिर उखड़ गया सर, फिर वैसे ही हो गया। लोग यहाँ पे रोड की बात कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि रोड की स्थिति जो है वो बहुत खराब है। अब हम आपको पीछे दिखाएंगे कि ये सड़क है, अभी जो है कुछ दिनों पहले क्या आप लगभग एक महीने पहले मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था और उन्होंने घोषणा की थी, इस मंच से भी घोषणा किया गया था कि ये रोड जो है वो बनेगा, मगर लोगों में आक्रोश है कि रोड नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो लोग काफ़ी आक्रोशित है रोड को लेकर, जो बहुत बड़ी समस्या के रूप में है, और ये पूरा रोड जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, इसको लेके लोगों में आक्रोश है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे रोड का है इस विधानसभा चुनाव में, जो काफ़ी लोगों के मन में गहरा असर डाल के रखा है और लोग रोड की बात कर रहे हैं। और भी दूसरे लोग हैं, ये चाय की दुकान है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और अक्सर चाय की दुकानों पे लोग इकट्ठा रहते हैं जो यहाँ के वोटर्स हैं। हम बात करेंगे, क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम विनीत कुमार राय है। विनीत जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ के नहीं रहने वाले हैं तो यहीं के। अच्छा, चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको? मुद्दा दिख ही रहा है, यहाँ सड़क का मुद्दा है, पानी का है, बिजली का है, बिजली पूरा दिन से गोल है, और यही सब मुद्दे हैं, लोकल जो मुद्दा है। और भी लोग हम बात करेंगे यहाँ पे। चाय की दुकान है और ये चाय बन रही है, आप चाय बना रहे हैं कि ले रहे हैं? ले रहे। अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, दरगाह। अच्छा, ये पान वाले हैं भाई साहब, पान अच्छी दुकान इनकी लग रही है और लग रहा है लोगों को चाय और पान खिलाते पिलाते अच्छे ढंग से हैं। क्या नाम है आपका? गुलाब चौहान। गुलाब जी, आप उपचुनाव होने जा रहा है तो क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं, कैसी स्थिति है, क्या विकास हुआ है यहाँ पे? अभी तो हमको चाय पान लगा रहे हैं, हम क्या बताएं इसके बारे में, हम उतने बेच लें, महंगा इतना सर पे, क्या कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप वोट करने जाएंगे तो वोट को करते समय क्या मन में आपके? हमारा वोट आया ही नहीं है। आपका वोट ही नहीं आया, वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है? आप भी यहीं के रहने वाले हैं आप लोग? अच्छा, आप भी यहीं के रहने वाले? अच्छा, और दूसरे लोग भी हम बात करेंगे, यहाँ पे बैठे हुए हैं लोग यहाँ पे। क्या नाम है चाचा आपका? आप यहीं के हैं रहने वाले? उपचुनाव होने जा रहा है मझुआ का, क्या लगता है, क्या स्थिति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? अभी स्थिति के बारे में अभी कोई कैसे बताएगा, क्या मुद्दे क्या रहेंगे? आप अगर इस एरिया की बात करें, जो मुख्य मुद्दे हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, क्या आपको लगता है? सड़क की समस्या है। सड़क आपको लगता है, आप तो काफी बुजुर्ग हैं, कई चुनाव को आपने देखा होगा, तो क्या लगता है इस क्षेत्र का विकास अभी तक रुका है, नहीं हुआ, क्यों, क्या कारण? अब वो भी रहा है लेकिन पूर्णतया नहीं हुआ कि विकास हो गया है, अब सड़क तमाम खराब है, सड़क बननी है। अभी इसकी घोषणा भी हुई है, सड़क को बनने की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी एक महीने पहले लगभग, तो क्या लगता है कि सड़क अभी तक नहीं बनी, तो आप लोगों को लग रहा है कि सड़क एक बड़ी बड़ी बात है, परेशानी? अरे बड़ी बात नहीं है, लेकिन आवागमन के लिए सड़क तो चाहिए ही, जनता सड़क, बिजली, पानी यही चाहिए न। लोगों के मन में सड़क को लेके एक है कि लोग हैं यहाँ पे, सड़क नहीं है और ग्रामीण क्षेत्र है, मगर इस ये जो है एक कह सकते हैं आपकी लाइफ लाइन मानी जाती है, जो काफी कई गांवों को जोड़ती है, और इस सड़क के खराब होने से लोगों के मन में दुख है, आक्रोश है। और जो जनता है मझुआ की हमारे साथ है, क्या नाम है भाई साहब? प्रदीप जी, उपचुनाव हो जाता है, का चलता मुद्दा है, का विचार चलता लोगन का समस्या बटे, अगर आप बात करिए। समस्या का भाई बस यहाँ समस्या रोड बदे सब परेशान है ना, और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क तो बता ही दिया, पानी, बिजली, और कुछ बा? अरे नाला हो जाए चाहे बिजली तो है ही बाहे इतनी समय, लेकिन रोड और तो नाला बदे सब परेशान है नाऊ का, और कोनो खास बात नहीं भैया। भैया जी, अभी हमारे साथ आधी आबादी है, हम उनसे भी बात करेंगे, ये हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? वंदना गुप्ता। वंदना जी, आप के यहाँ चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं, आधी आबादी है आप, तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्षेत्र में हमारे क्या नहीं हुआ, होना चाहिए? विकास नहीं हुआ है।
कौन से विकास की बात कर रहे हैं? जैसे कि बच्चे को युवा को ना रोजगार अभी का नहीं मिला है, बेरोजगारी की समस्या है, रोजगार मिलना चाहिए। और भी यहाँ पे दूसरी बहन जी लोग हैं, क्या नाम पड़ी आपका? हमारा नाम रीना है। रीना जी, आप वोट डली है ना जो उपचुनाव होता? हाँ, डाला था ना। तो चर्चा चला था उपचुनाव का? हाँ चला था। हम लोग के नाली दे दे, आवास दे दे, हम लोग के कोई सुविधा नहीं मिला भैया। हम लोग तो ऐसे ऐसे घर में है कि कोई हम लोग को अता पता नहीं बाटे। हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग को कोई कुछ नहीं। का कहे चाहत हैं बताओ आप? अरे भैया, बढ़िया आदमी पावत हैं, गरीब बनाई है तो ना ही ना पहुँच सकत है, ना ही पावत है। अब बाबू हमारा पड़ा है ना, का नहीं मिला, का नहीं मिला, का नहीं मिला बाप। विकलांग है बेचारू, बैठा रहते एक दरे के आवासन नहीं दिए। महतारी मर गये, भौजाई मर गयी, एक दरे का भाई नवासत नहीं केहरो से मिला था। उनके भाई कुछ मिले, आवास नहीं मिला। हाँ, और सब चीज मिलल बा, पानी सानी भाई नाला नहीं बना बा, ऐसे बहावत है। महिलन के स्वास्थ्य के लेके बहुत दिक्कत रहता है कि स्वास्थ्य की सुविधा रहे चाहिए। हाँ, तो सुविधा बा कि नहीं स्वास्थ्य? अरे भैया, जवन बात है सब ऐसे जियत खात पड़ा है, जन बा भाई महंगाई सस्ता है सब के ऊपर बा, का करे। और ये नई जनरेशन है, क्या नाम है आप वोट डालोगी नहीं इस बार बच्चा? तो वोट डालो, क्या नाम है आपका? पुष्पा। तो पढ़ रही हो आप? हाँ। क्या कहना है आपके क्षेत्र में, क्या कहना चाहोगी चुनाव को लेकर, क्या विचार है आप? चुनाव जब आएगा तो आप सब आ जाते हैं, उससे पहले नेता कभी यहाँ झांकने भी नहीं आते। मतलब नेता लोग आते नहीं आप? लोगों को मिला या फिर नहीं मिला? हमारे घर तो हमारा घर गिर गया था, लेकिन देखे थे लेकिन कोई नहीं दिया। हमारी जेठानी भी दी हमको जगह, 2 साल रहे थे। बताइए, पटोरा लग के भीख मांगे तब आप लोग जानेंगे कि हाँ इसकी गरीब है, इसको कुछ नहीं है। जब वहाँ कोई भी लगता है, कोई आधान प्रधान आते हैं, कह रहे इस उम्र में आप लोग कमा खा नहीं सकते हैं तो आप लोग क्यों वोट मांग रहे भाई? लाटरी नहीं है, आवास नहीं है, हम लोग को बच्चे हो गए, सियान सियान खेती बाड़ी में जाते हुए दौड़ाए लेते हैं, मारा थे तो लोग कैसे जाए खेती बाड़ी में, बताइए आप लोग? लोगों में जनप्रतिनिधियों को लेकर एक आक्रोश है कि जो चुन लिए जाते हैं वो दिखते नहीं, आते नहीं हैं, जब चुनाव होता है तभी आते हैं। और जनता है, हम बात करेंगे, जानेंगे और लोगों की भी राय कि जो अभी जो जनता है वो एक छोटी दुकान है जीविकोपार्जन के लिए। आप आधी आबादी की बात हम करते हैं, आधी आबादी हैं आप देश की। और क्या क्या नाम है आपका? रेशमा श्रीवास्तव। रेशमा जी इधर आए थोड़ा। आपके यहाँ उपचुनाव हो जाता, का मन में चला था, का यहाँ समस्या बा, का मुद्दा बा? ऐसे यहाँ बहुत चीज है, जैसे नाली नहीं है, रोड एकदम गड़बड़ है, ऐसा बस यही समस्या है। आप ये दुकान से जुनबा? हाँ, छोटा सा फास्ट फूड का दुकान हो? हाँ, छोटा सा दुकान है, चलाते हैं। आप इससे जीविकोपार्जन चल जाता है आपका? हाँ, लोग हैं हम लोग। आप क्या करते हैं भाई साहब? हमारी दुकान है जनरल स्टोर की। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं प्रतीक कुमार श्रीवास्तव। प्रतीक जी, कैसा है इस क्षेत्र में विकास, क्या अभी तक हुआ, क्या नहीं हुआ? विकास यही है कि नाली नहीं बना है और रोड नहीं बना है, लोग परेशान। शिक्षा की बात अगर करें हम, स्वास्थ्य की बात करें? स्वास्थ्य भी सही है, शिक्षा के मामले में शिक्षा भी सही है, कोई खास अंतर नहीं है। रोजगार की समस्या है? रोजगार की कोई समस्या नहीं। मतलब ऐसा कुछ और कुछ आपके मन में चल रहा है चुनाव को लेके, कितना उत्साह लग रहा है? ठीक है, उत्साह अच्छा है, कोई वो नहीं है। कैसा जनप्रतिनिधि आप लोग चुनेंगे इस बार? वही मोदी। लोगों का कहना है जो हमारे बारे में सोचे, जो ध्यान दे क्षेत्र के विकास के बारे में, उस बात को लेकर लोगों को इस बार मन में ये चल रहा है कि हम ऐसे लोगों को अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे जो वास्तव में क्षेत्र के बारे में सोचे, क्षेत्र का विकास के बारे में सोचे और क्षेत्र में हमेशा उपलब्ध रहे। बाहर और अंदर, अगर बाहर ही चुने जाते हैं तो उस समय पर आते नहीं है, अगर यहाँ का रहेगा, स्थानीय रहेगा तो ध्यान देगा। और भी लोग हैं, गांव का जो परिदृश्य है मझुआ विधानसभा में, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग काम धंधा वाले हैं और हम बात करेंगे, जानेंगे इन लोगों से। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार बिन। कहाँ कर रहा था? बस वही मजूरी करते हैं। अच्छा, मजूरी कर रहा था। अब चुनाव हो जाता तो क्या आपके लगा था कि
ये बार कौन समस्या यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा समस्या? समस्या सब सर यही समस्या है कि बरसात में हम लोग को इतना दिक्कत हो जाता है सीवर की वजह से। बरसात में सब हर एक व्यक्ति परेशान हो जाता है, रास्ते पे आने जाने वाले, और यहाँ सीवर के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी लग जाता है, बरसात का पानी लग जाता है। अब और रोजी रोजगार का? रोजी रोजगार तो सब कुछ सिस्टम ही सही चल रहा है। विकास हुआ, 2 साल विधायक रहे यहाँ पे डॉक्टर विनोद बिंद, का विकास किए? नए विधायक की वजह से तो ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है हमारे ग्राम सभा में। अर्जुनपुर हमारा ग्राम सभा है, हमारे ग्राम सभा में ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ एक आध दो काम हुआ है, लेकिन वो सब विधायक की कोटा से नहीं हुआ है। अच्छा, आपके कहा लगा था, कौन मुद्दा रहे चुनाव में? मुद्दा तो हम लोग बीजेपी के वोटर है, मतलब आप लोग मान के चला था इनकी? जो कुछ है बीजेपी वोटर, हम मोदी सीधा डायरेक्ट वोट देंगे। और आप क्या नाम बा आपका? बाबूलाल। कहा कर रहे थे ना आप? यही मजदूरी से दूरी करीब है। दुकानों आपका हो? अच्छा, तो आज मजदूरी करे नहीं गए? कहा लगा था यहाँ का जो चुनाव है वाला, अब तो डेटो आई गो बाटे, कहा चला था मन? गाँव में तो हम लोग भाजपा ही वोट देंगे। काहे भाई? वही के दिया जाता तो वही के दे। अच्छा, विकास विकास से खुश है आप लोग? हाँ खुश है, ये नाला हमें लोग चाहता है। का नाम पड़ी आपका? ढोलन। ढोलन क्या कर रहा था आप? हम कालीन का काम कर रहे थे, अब नहीं किया होते छोड़ दिया। अच्छा, काहे स्वास्थ्य सही नहीं रहा? दवाई ना, दवाई वाई सरकार करावो था भाई? बनाए बा में मिला नहीं बा। अच्छा, कार्ड वोड बनल बा? वही बना बा में आई नहीं बोल। विकास उकास से खुश है आप? विकास जवन बा चलते बा के विकास कवन करावे वाला बाहन ढेर के जाही जी जीते आ रहे, बस गरीबन के जो मिला था बस वही मिले बहुत बार। का लगा था बार चुनाव बहुत डेटा हुआ आई बात, का मन में चला था? अब मन का हमारे लोग का वो एक का सिद्धांत बा केवल जेके बा। आपका दादा का नाम हो? राजेंद्र। अच्छा, ये बताओ चुनाव हो जाता है, अब तो उपचुनाव हो जाता, का लगा था बार का लगा था मुद्दा का बाटे आपके लोगों के मन में, का मुद्दा चला था? मुद्दा थी हमारे का सही में भाजपा के देंगे और के देंगे। काहे काहे उनके राज में गुंडागर्दी ना है, सभा सभा सरकार हम तो गरीबन का राहत बा, कम महंगाई ना है बा। लोग पानी बिजली स्वास्थ्य शिक्षा को लेके बहुत खुश नहीं है, मगर लोगों का ये कहना है कि जरूरतें जो है वो पूरी हो जा रही हमारी, और हम लोग जो एक सोच रहती है वो चीजें मिल जाती हैं। ये देखिए हमारे साथ एक यहाँ की महिला भी हैं जो पानी भर रही हैं। आप बात करेंगी हमसे? आपसे बात करने के लिए आए हैं? का नाम पड़ी आपका? सीता जी खड़ी हो जाएं, एक 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 बात आपसे पूछल चाहत है। का नाम पड़ी आपका? सीता। आप वोट डाले जाइए? अच्छा, चुनाव हो जाता, एक महिला है ना आप, तो आपके क्या लगा था कि कौन समस्या आपके नजर आवा था या क्या चाहे आपके विकास के रूप में? अरे घर द्वार नहीं सर जी कुछ का। आपके घर द्वार नहीं बा? घर कहाँ बा? अब तो अब सरकार कई तरह का घर बना होता तो मिला नहीं? कहाँ मिला था घर, ये नहीं चुहत बहुत माटी घर बहा पक्की घर। घर की बात है, आपको घर मिलना चाहिए। घर हमारे नहीं रहा है। बिल्कुल, ये घर की बात कर रहे हैं, और भी दूसरे नौजवान यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि यहाँ के लोग जो हैं। क्या नाम पड़ी आपका? मेरा राम। राम लखन जी, क्या कर रहे थे ना? अभी तो कुछ नहीं करते हैं, बढ़कर बस ऐसे बेरोजगारी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप अब इस बार चुनाव हो रहा है, अपडेट भी आ गया, उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे हैं आपके एरिया में? पढ़ाई लिखाई शिक्षा का बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, सड़क बिजली पानी, क्या लगता है आपको? ये लोग तो नेता अपना जो भाषण देकर चले जाते हैं, हम लोग को क्या, हम लोग वोट देते हैं, अब वो लोग जो मतलब कहने के लिए करते हैं वो होता नहीं है, कहेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कोई नेता करने के लिए आता नहीं है। वोट लेने के लिए जब होता है तो आ जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, अपना करने के बाद जब इलेक्शन हो जाता है तो कोई दिखाई नहीं देता है। आप लोगों के बीच आते नहीं? नहीं, अभी देखिए यहाँ पर नाला वाला कुछ बना ही नहीं है। अच्छा, का मतलब का दिक्कत बा? दिक्कत यही बात कि नाला बन जाए चाहे सही बा, नहीं तो बड़ी इतनी दिक्कत बा कि कहाँ मेरा नहाए कहाँ धोवाई, कि अगर दूसरे में धोवा झगड़ा होता। ये पानी की समस्या लग जाता? हाँ, पानी लग जाता।
ये एरिया में ही समस्या ज्यादा हुआ। और देखिए हमारे पीछे आधी आबादी खड़ी है। क्या नाम पड़ी आपका? सीता। है सीता जी, आप चुनाव हो जाता आपको वोट डाले जाइए जाए। का मन में चलत हो आपके, का मुद्दा लगत हो इस एरिया में, का हो चाहे का नहीं भइल बा? भयो कुछ नहीं, प्रधान यहां का जीत जाई चाहे कहीं जीत जाई, बनाई के बात कह जाई, बात सुनी ना कि हां भैया कहीं चला तू अपने घरे, तो का विकास कथन कुछ नहीं। ये तो विधायकी के चुनाव होता, विधायक बनिए मंत्री बनिए, त एकरे बारे में का कहते हैं? बड़ा का बोल भगवान का विजय बनई होई, हमने के नाला निकलवाए दे इतने बहुत बाहर। ये एरिया जो है वो सड़क के साथ साथ यहाँ पे नाला की बात लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि जो नाला नहीं है जिसके वजह से पानी लगता है, और पानी लगने के चलते जो है हम लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उपचुनाव के लिए और भी जनता हमारे साथ है, लोग खड़े हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विद्यासागर यादव है। विद्यासागर जी, उपचुनाव होने जा रहा है, क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं? यहाँ की समस्याएं तो बहुत सी हैं, अभी तक किसी प्रकार का कोई ने सोल्यूशन पूरी तरीके से नहीं खत्म कर पाया है। हालांकि समस्याएं हमेशा उत्पन्न रहती हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बच्चों को पलायन करना पड़ रहा है कहीं बाहर जाके काम। आज भी कोई भी उद्योग यहाँ पे मिर्ज़ापुर के अंदर कभी नहीं रहा है, जब भी पढ़े लिखे लड़के हैं नौकरी की हालात है कि एक भी नौकरी मिलवार नहीं है, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकल रही हैं, आधे से ज़्यादा वैकेंसियाँ धांधली की ओर चली जा रही हैं, निरस्त हो जा रहा है, समझ रहे हैं। और रोड वगैरह का हालात इस बुरे से बुरे बदतर में है, आप अभी जिस रास्ते से होके आए होंगे वो भी रास्ता देखिए होंगे, जहां आदमी को 2 मिनट लगना चाहिए वहां ऑटोमेटिक 10 से 15 मिनट लगा रहा है। हम आपके इस विधानसभा की आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहां पे किस तरीके की समस्याएं हैं उसकी बात अगर हम करें, अब ब्रॉडकास्टिंग के लिए डेट भी डिक्लेयर हो गया है, तो आपके मन में चल रहा होगा कि ये समस्या है, अगर ये सॉर्ट आउट होता तो हम इनको चुने या हम इनको वोट करें, अगर ये समस्या हो ऐसे प्रति मामला क्या है ना कि यहाँ पे वास्तविक जो मझुआ विधानसभा का जनप्रतिनिधि जो होना चाहिए, जो यहाँ का लोकल होगा वो यहाँ के लोगों की दर्द को समझेगा और लोगों को समझ करके तभी लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएगा। बाहरी बहुत से आए गए, थोड़ी बहुत देखे, महीने में एक दिन आए झलक दिखाया, उसके बाद फिर वो लखनऊ का रास्ता नाप रहे हैं तो फिर कहीं और का रास्ता नाप रहे हैं, अपने अपने काम को अपना व्यापार में व्यस्त है, समझ रहे हैं। वास्तविक लोगों की जनता की जो समस्या है उसको बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपकी बाहरी और अंदर की बात है कि बाहर का प्रतिनिधि है तो नहीं सोचेगा, और भी है। क्या नाम आपका है? अमृतलाल मौर्य नाम है हमारा। मौर्य जी, उपचुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है, कौन सी बातें हैं दिमाग में चल रही है, कौन सी समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे लग रहे हैं? नहीं कुछ, मिर्ज़ापुर का विकास होना भी चाहिए, अभी तक हुआ नहीं है। आपके क्षेत्र में कौन सी समस्या सबसे बड़ी समस्या लगती है? सरे रोड और बिजली की। बिजली, लोगों का कहना है कि बिजली तो ठीक ठाक आ जा रही है, इस प्रेजेंट टाइम में कटा हुआ है। पहले से क्या स्थिति, क्या पहले से अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है, अब रोजगारी तो बहुत ही है।